The Dima Hasao Congress observed Jumla Diwas on Thursday, taking a dig at the Assam government's cabinet meeting held last time in the district. Addressing a press conference in Haflong's, Rajiv Bhavan, the president of the party in the district, Samarjit Haflong Bar, said that the chief minister promised Rs. 110 crores for better drinking water solution in the district, Rs. 20 crores for a new science block for Haflong College, Rs. 50 crores for uplifting tourist circuit of Umranchu and Haflong, Rs. 20 crores for developing sports complex, but all are now pushed in cold storage. Samarj Haflong Bar also reiterated that while employees of BJP-led Dima Hasao Autonomous Councils are working without pay for past 8 months, their leaders are spending crores to celebrate festivals and open parks. The District Congress Committee, who have a freedom of speech in the Article 19 of Indian Constitution, regarding the cabinet meeting which was held last year, we want to put some questions to the Treasury bench. So, aaj hum log Dima Hasao District Committee एक जुमला दिवस का रूप से आज मनाया है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट हमेशा जुमला छोड़ता है, पब्लिक को कमिटमेंट देता है और असली में फुलफिल नहीं करता है। तो इसलिए लास्ट जो ईयर में 19 जनवरी का कैबिनेट मीटिंग असम का कैबिनेट मीटिंग हाफलोंग में हुआ था, हम लोग इसका जानकारी लिया और अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, हम लोग को सबको मालूम है कि इतना खर्चा करके जर्नी करके हाफलोंग में मीटिंग किया है, कैबिनेट मीटिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। उसमें आज जाने मिला कि जो खाना खाया था अराउंड 30 लाख का, उसका भी आज तक बिल नहीं चुकाया। लेकिन आज जितना तो हम लोग जानकारी लिया है कि खाना का अराउंड 30 लाख तो बिल चुकाया नहीं, और साथ साथ में आज एक साल पूरा हो गया, जितना भी डिक्लेरेशन किया है, जितना भी स्कीम्स लिया है असम गवर्नमेंट के जरिए से, वो एक पैसा का स्कीम एक पैसा भी आज तक नहीं आया। इसलिए आज हम लोग इसको जुमला दिवस का रूप में हम लोग मनाया है। करोड़ ऑफ मनी आज काउंसिल का स्टाफ जो है, आज 8 मंथ से सैलरी नहीं है, उसका तनख्वाह नहीं है, उनका घर कैसे चल रहा है वो उनका कोई खबर नहीं, लेकिन करोड़ ऑफ पैसा खर्चा करके आज फेस्टिवल, आज कुछ उत्सव दिमाग में हमेशा चलता है। तो इसलिए सरकार को हम लोग जानना चाहता है कि जो डिक्लेरेशन किया था लास्ट ईयर का जो कैबिनेट 19 जनवरी का जो कैबिनेट डिसीजन में डिक्लेयर किया, उसको आप लोग तुरंत क्या पोजीशन में है, कितना पैसा भेजा है और कितना प्रोग्रेस हुआ, वो तुरंत आप लोग उसको क्लियर कीजिए। हम लोग आपसे आपसे डिमांड है, सरकार से हम लोग का क्वेश्चन है, सरकार को पूछता है, हम लोग तुरंत इसको डिक्लेयर कीजिए।